वेलकम, फूडी वूडी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट, जो सबको पसंद रहता है। पानी पूरी आपने खाई होगी, पापड़ी चाट खाया होगा, भेलपूरी खाई होगी, लेकिन हम पापड़ी चाट आज घर पर बना के आपको दिखा देंगे। हाँ, हम पहले बनाने जा रहे हैं पापड़ी। तो इसमें हम ले लें 150 ग्राम मैदा और इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा जाएगा आधा चम्मच नमक और करीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक घोल बना लेंगे। अभी हमने इसके लिए इमली का पल्प बनाने के लिए 1 कप इमली का पल्प लिया है। इमली भिगो कर ली है, उसका पल्प निकाल के लिया है। अभी हम इसको पैन में डालेंगे। और इसको उबालने देंगे। थोड़ा सा हम गुड़ मिक्स करेंगे, करीबन 50 ग्राम और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे इसमें और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसको चलाएंगे। इसका गुड़ मेल्ट होने तक इसको चलाते रहेंगे हम। इसका गुड़ मेल्ट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसको हम इसका फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ठंडा करने के लिए, तब तक हम पापड़ी बनाने के लिए लेंगे। अभी हमारी इमली की चटनी तैयार है, अभी हम पापड़ी बनाने के लिए लेंगे, पापड़ी चाट के लिए। अभी हम इस गोल सांचे में ऐसे कट कर लेंगे। आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ऐसे काटे चम्मच से थोड़ा थोड़ा होल मार के लेंगे, ये फूले नहीं और थोड़ा अपना खुद ही क्रिस्पी हो जाए, इसकी वजह से हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा काटे चम्मच से होल मार लेंगे और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और आप तेल गरम करने के लिए रख दीजिए हमारे पूरियाँ तलने के लिए। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है, अभी हम ऐसे पूरियाँ तल लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अभी हम इसको क्रिस्पी पूरियाँ तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
हमारी पूरियाँ ऐसी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम दूसरी भी ऐसे ही तल के निकाल लेंगे। अभी हम पापड़ी चाट बनाने के लिए लेंगे और हमारी सब सामग्री तैयार है पापड़ी चाट के लिए और अभी हम सर्विंग प्लेट में पापड़ी चाट बनाने के लिए लेंगे। आलू डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये भिगोया हुआ चना हम इसको बॉईल करके लिया है, अभी ये भी थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे इसके ऊपर, मतलब चार चार दाने भी डाल सकते ऐसे। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा पैन डालेंगे। स्वादानुसार हम थोड़ा थोड़ा मिर्च पाउडर डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरी चटनी डालेंगे। तो हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बनाया हुआ इमली का चटनी डालेंगे, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी चटनी। थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे, ये तो ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं डाला तो भी चलेगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सेव डालेंगे। थोड़ा सा खारा बूंदी डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हमारी पापड़ी चाट अभी तैयार है, आप देख सकते हैं इसको। आप ये चाट की रेसिपी ट्राई करके जरूर देखिए और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।